हेलो दोस्त, मैं किशोर चौधरी, अम्यून ट्रेनर। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि एक धुर में कितना स्क्वायर जमीन होता है, एक कट्ठा में कितना स्क्वायर जमीन होता है और एक बीघा में कितना स्क्वायर जमीन होता है। जो साथियों अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हो, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन रहा कि एक बीघा पांच कट्ठा बारह धूर जमीन को सारे पांच हाथ की लगी से डिसमिल में कैसे बदलेंगे, डिसमिल में कैसे बदलेंगे। चलिए इसको हम लोग बदलते हैं। तो पहले हमको धूर में चेंज करना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है, पांच कट पांच एक बीघा पांच कट्ठा और बारह धूर। देखिए एक कट्ठा में होता है बीस धूर, एक कट्ठा में कितना होता है बीस धूर, एक कट्ठा में बीस धूर होता है, एक कट्ठा में बीस धूर होता है और एक बीघा में बीस कट्ठा होता है, यानी इस कट्ठा में कितना हो जाएगा बीस कट्ठा है, कितना है बीस, कट्ठा में चेंज करेंगे बीस कट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बीघा बराबर बीस कट्ठा होता है और एक कट्ठा में बीस धूर होता है, तो इसको धूर में चेंज करेंगे बीघा को, तो बीस कट्ठा है ना, तो बीस कट्ठा को हम धूर में चेंज करेंगे तो एक कट्ठा में होता है बीस धूर, तो इसको बीस से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 400 धूर निकल गए, 400 धूर है, एक बीघा में कितना होता है 400 धूर, एक कट्ठा में होता है 20, एक कट्ठा में होता है 20 धूर, एक कट्ठा में कितना होता है 20 धूर, तो पांच कट्ठा है तो इसको 20 से गुना करेंगे तो कितना धूर निकल जाएगा यहाँ पे 20 धूर। ठीक है, 20 धूर नहीं 100 धूर, यहाँ पे 12 धूर तो है ही पहले से, अब सबको जोड़ेंगे यानी 400 धूर 100 धूर और 12 धूर यानी 512 धूर, कितना हो गया 512 धूर। चलिए हमको तो धूर निकल गया, धूर हम लोग निकाल लिया 512 धूर, एक बीघा पांच कट्ठा और 12 धूर को पूरा को अगर धूर में चेंज किए तो 512 धूर निकल गया। चलिए अब इसको हम लोग डिसमिल में चेंज करना है, क्या ये बोल रहा है सवाल में डिसमिल में चेंज कीजिए, तो डिसमिल में इसको चेंज करेंगे। डिसमिल का सूत्र क्या होता है, तो डिसमिल हमको निकालना रहता है, तो इसका होता है धूर गुने लगी स्क्वायर भागा 968/5, क्या होता है 968/5। चलिए यहाँ पे हम लोग धूर का मान लेते हैं, 512 धूर है, कितना है 512 धूर है, धूर कितना है 512, लगी का मान साढ़े पांच आए थे तो 11/2 इसको लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़िए 15 10 1 11 11/2 इसका स्क्वायर करेंगे, इसको गुना में या भाग दे देंगे, भाग ही रहने दीजिए 968/5, कितना आ गया 968/5 आ गया। अब इसको 512 गुने 121 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5 ऊपर में 968 नीचे में, ये 21 8 968, इसको इससे कटेंगे 4 1 4 4 2 8 और 832 यानी 4 से काटेंगे 128 आ जाएगा, 16 8 128 यानी 16 आ जाएगा, यहाँ पे बच क्या गया 16 × 5 यानी 80 क्या निकला डिसमिल, 80 डिसमिल हम लोगों को आंसर, तो इसका आंसर है 80 डिसमिल, क्या है 80 डिसमिल, तो चेंज करेंगे डिसमिल में 180 डिसमिल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप है, यानी हम टाइप बाय टाइप हर एक क्वेश्चन में एक टाइप बताते हैं, वहां पे आप धूर डिसमिल लगी का मान चेंज करके हर क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हैं और वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक टाइप बता रहे हैं उससे आप कई प्रकार का धूर कट्ठा बीघा और प्लस लगी का मान ये सब चेंज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक
आसानी से पहुंच सके,